Assalamu alaikum, dear students. I am Abid sir from GN Memorial Public School, Wailo. As you know, the prevailing conditions and due to the closure of schools, the government had ordered, and we, the GN Memorial Public School, has decided to provide you a series of online lectures that will be available on the YouTube. So I will teach you the control and coordination of class 10th, जो कि आपके बायोलॉजी का दूसरा यूनिट है. देखिए, जैसे कि हम इस चैप्टर से देख सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टर्म्स है इसमें. एक तो कंट्रोल है और दूसरा कोऑर्डिनेशन. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? देखिए, जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उनका कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए. यानी कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो उनकी तमाम बॉडी एक्टिविटीज या लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके. जैसे कि आपने पहले यूनिट में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आपने क्या पढ़ा? डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है जो कि that are important for the survival of an organism. आपकी बॉडी में कुछ ऐसे processes होते हैं जिसकी वजह से आप survive करते हो. उन तमाम life processes को अब control करने के लिए आपकी बॉडी में दो controlling centers या systems होते हैं. There are two controlling systems that controls all the activities of your body. Is that clear? Okay. One system is the nervous system. ये हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग सेंटर जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. वन इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, यानी कि दो सेंटर, दो सिस्टम आपकी बॉडी में है जो कि आपके बॉडी के तमाम एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं. वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द हार्मोनल सिस्टम. जो कि आपको पता है कि हार्मोन क्या था, व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स. दीज आर बेसिकली केमिकल्स विच कैरी द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. आपकी बॉडी में लिविंग सिस्टम, यानी कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सीक्रेट क्या होते हैं फ्रॉम ग्लैंड्स. दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक ग्लैंड्स. यहां पे एक वर्ड आया ग्लैंड. ग्लैंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन ग्लैंड? ग्लैंड इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज द एबिलिटी ऑफ सिक्रीशन. एक ग्रुप होता है सेल्स का जो कि कुछ सबस्टेंस या केमिकल्स सिक्रेट करता है, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं. और यही ग्लैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड, जैसे कि वी विल प्रोसीड इन द सब चैप्टर, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं आपके बॉडी में, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो. उसमें फिर अलग अलग आता है, आपका थाइमस आता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, आपका हार्मोनल जो है एड्रिनल ग्लैंड आता है, इसमें आपके टेस्टिस भी आते हैं, आपके स्पर्म्स सॉरी आपके ओवरीज भी आते हैं. ये इनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं. यानी कि ग्लैंड्स अब वो सेल्स हुई, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज द एबिलिटी ऑफ सिक्रीशन. इसमें अब दूसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स. मिक्स्ड ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो कि एंडोक्राइन भी होंगे जो कि एक्सोक्राइन भी होंगे. एंडोक्राइन मीन्स डक्टेड ग्लैंड. एंडोक्राइन मीन्स डक्ट, जो कि अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट में डाले उसको बोलते हैं एंडोक्राइन. और जो डायरेक्टली पोर करे इनटू द ब्लड विदाउट द यूज ऑफ एनी डक्ट. डक्ट का मतलब यानी इनमें कुछ पाइप्स बिछे हुए होते हैं. यानी कि आप ये एज्यूम करते हैं कुछ पाइप्स बिछे हुए होते हैं जिनको हम डक्ट्स बोलते हैं. सिर्फ यमनी डॉक्टर
पनिन सिक्रीशन करन तमन चेस वन एंडोक्राइन यमन वन इन डॉक्टर यूज करन के तमन ग्लैंडन चेस वन एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट यूजेस द डक्ट्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट डज नॉट यूज एनी डक्ट एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स आर दोस Mixed glands are those which have the both ability of endocrine as well as exocrine. जिसमें endocrine की property भी हो और exocrine की भी, ठीक है, उसको हम mixed gland बोलते हैं. जैसे कि आपका pancreas हुआ, जैसे कि आपके testes हुए और जैसे कि आपके ovaries हुए, ठीक. ओके, तो क्या बोला हमने, अगर हम इसकी डिफिनेशन भी लेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन मतलब दोज ग्लैंड्स व्हिच पोर देयर सिक्रीशंस into ductus. Simple सी definition है, आपने याद रखनी है. Those glands which pour their secretion into ductus are called endocrine glands. जो कि अपनी secretion, जो भी वो secret करते हैं, वो एक particular duct में डाले, एक particular duct में डाले, उसको हम बोलते हैं endocrine gland. And those glands which do not use the ductus, इनको हम ducted glands, endocrine gland is also called the ducted gland, D-U-C-T-E-D, ducted gland. And exocrine gland is, यहां पर लिख सकता हूं मैं definition, exocrine gland, those glands which do not pour their secretion into the ductus. They directly pour their secretion into the blood. They directly pour their secretion into the blood. And hence they are also called ductless glands. इनको हम एक और नाम से जानते हैं, ductless glands, जो कि हमने इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने हैं. अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखते हैं. ओके, क्या होता है, तो कंट्रोलिंग सेंटर आपकी बॉडी में होते हैं, दो कंट्रोलिंग सेंटरिंग होते हैं, दो कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. वन इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ना होता है, फिर इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स आते हैं, जिसमें ब्रेन आता है, जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड्स पढ़ने होते हैं, इसमें आपने सिट्रक्चरा ब्रेन पढ़ना होता है, और इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ने होते हैं. नर्व्स क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरल्स नर्व्स क्या होते हैं, या रिले नर्व्स किनको बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो अभी हम इंट्रोडक्शन देते हैं. तो आपकी बॉडी के तमाम जितने भी फंक्शंस होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनली टू सिस्टम्स. वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द हार्मोनल सिस्टम. आपने इसमें ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन वगैरह याद रखना है. और मिक्स्ड ग्लैंड्स कौन होते हैं, जो कि एंडोक्राइन भी हो एंड एक्सोक्राइन भी हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें आपका पैंक्रियाज आता है, आपके टेस्टीज और आपके ओवरीज आ जाते हैं. ओके, तो क्या होता है, दूसरा जो वर्ड है इसमें वो है कोऑर्डिनेशन. पहला समझ आ गया होगा, कंट्रोल मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना. आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए आपके बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं. वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द हार्मोनल सिस्टम. दिस इज सिंपल. ओके, अनदर वर्ड इज द कोऑर्डिनेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन कोऑर्डिनेशन. देखिए,
आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स अलग अलग काम नहीं करते, वो एक सिस्टम में काम करते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि हर क्लास में आप पढ़ोगे कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन्स होते हैं, और जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? अगर हम ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वेयर वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, वेयर वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो इट इज वन एन ऑर्गन सिस्टम। सैन बॉडी में वारिया ऑर्गन पानव मिलित काम कर आप स्पेसिफिक फंक्शन करना खातर तब चीज वन ऑर्गन सिस्टम। इत डाइजेशन खातर मुझे ना अकोय ऑर्गन आसन के उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लाइक आपका माउथ होता है, आपका इसोफेगस, स्टोमक, आपके इंटेस्टाइनस, लारेंज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन वर्क एक साथ करते हैं और उनको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब देखते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन मींस व्हेन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू कैरी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। यहां पर लिख सकता हूं मैं, when various organs of our body work together in a systemic manner। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक मैनर, इन ए सिस्टमिक मैनर, ये याद रखने का, बाद में हम इसे डिफाइन करेंगे। इन ए सिस्टमिक मैनर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स या वेरियस ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ, ये वर्क रैंडम नहीं होना चाहिए। इनका मतलब ये जो सिस्टमिक मैनर होता है, इन ए स्पेसिफिक मैनर, एक निजाम तहत गम कर पान वही कोऑर्डिनेशन। आपके बॉडी में जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं इन ए सिस्टमिक मैनर, इन ए पर्टिकुलर मैनर और इन ए स्पेसिफिक मैनर टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दिस इज द मोटिव ऑफ योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका इसमें पढ़ना है, आपने इसमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है और ये कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, ठीक है? तो आइए हम देखें। अब इसमें एक और चीज आती है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स दे रिएक्ट टू देयर चेंजेस दैट ऑकर इन देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इन देयर इंटरनल एनवायरमेंट। तमाम जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं दे रिएक्ट, दे रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस दैट ऑकर इन देयर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये जो ये चेंजेस होती है इन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। याद रखना, स्टिमुलस किसको बोलते हैं? स्टिमुलस मींस द चेंजेस दैट ऑकर इन आवर एक्सटर्नल और इन आवर इंटरनल एनवायरमेंट। ये सिर्फ आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में नहीं होते, ये आपके इंटरनल, आपके बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उन तमाम चेंजेस को जब आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है तब इसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। अगर हम अब एक पर्टिकुलर डिफिनेशन, अब पर्टिकुलर डिफिनेशन इसकी बोलेंगे, जैसे कि स्टिमुलस क्या हुआ, यानी कि स्टिमुलस क्या हुआ। ओके, स्टिमुलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्टिमुलस, देखो बेटा ये याद रखना है, ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार रिपीट होकर स्टिमुलस 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 इज एनी चेंज
any change in the external or internal environment which should be strong enough to cause action potential. एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि आपकी बॉडी में जो ये मैसेज आते हैं ना, दैट इज ट्रेवल्ड इन इलेक्ट्रिक लाइक इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे आगे की जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का पढ़ेंगे, जब हम उसमें देखेंगे डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एग्जाम क्या होता है, कैसे ये हम डिटेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को, वो सब हमने इसमें आगे देखना है। तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखना, एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट विच should strong enough or we should be strong enough to cause action potential, जिससे आपकी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल हो जाए, वो स्टूमुलस जिसकी आपकी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाए, जनरेट हो जाए आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स, उस चीज को हम स्टूमुलस कहते हैं। ओके, आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टूडे। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो। Stay safe, stay blessed. Thank you.